इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम। लोकतंत्र में सवाल उठाना जरूरी है, पर क्या वाकई सवाल पूछे जा रहे हैं? अब तो मुल्क की हालत ऐसी हुई है कि अगर आप सवाल भी पूछो तो तुम्हारे सवालों पर कोई तवज्जो ही नहीं दे रहा। एक बार फिर चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाए जा रहे, पर तुम्हारे सवालों की तरफ देखने के लिए भी किसी के पास वक्त नहीं है और ना ही इसे कोई अहमियत दी जा रही है। अब तो इलेक्शन कमीशन के ओहदे पर फाइज होने की तरतीब को ही बदल देना चाहिए, ऐसी आवाजें उठ रहे। वैसे तो पिछली मरतबा सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल उठाए गए थे। अदालत अदलिया निजाम भी शक के दायरे में ही नहीं बल्कि मरकजी हुकूमत के दबाव में, यानी कि इनके इशारे पर चल रही है, इसकी बड़ी मिसाल दी जा रही है। जस्टिस रंजन गोगोई का राज्यसभा मेंबर बनना भी इसी की कड़ी मानी जा रही है। अगर और भी कुछ मामले पर नजर डाले तो यह अंदेशा बार बार आता है कि आखिर मुल्क का क्या होगा और इसे किस दिशा में ले जाया जा रहा है। अगर वाकई चुनाव पहले से ही तय किए जा रहे हैं, यानी ईवीएम मशीन घरों में होटलों में बैठकर उम्मीदवारों की जीत दर्ज की जा रही है, तो लोकतंत्र कैसा? और सबसे बड़ी बात तो यह है कि तमाम मुल्क के इल्मी दानिश्वर सभी खामोश क्यों है? आवाज कहीं तो दबी भी महसूस की जा रही है। आईने हिंद के आर्टिकल 324 के तहत इलेक्शन कमीशन के कयाम को अमल में लाया गया तो मौजूदा आज के भारत के तहत नहीं हुआ था। इलेक्शन कमीशन तो तमाम इंतखाबी मुहिम पर ईमानदारी से काम करने के लिए जाना जाता था, पर आहिस्ता आहिस्ता वे भी इख्तदार पजीर सरकारी मुलाजमीन में तब्दील होते जा रहे। जितना मोदी हुकूमत में सरकारी तसल्लुत देखा जा रहा है, इतना कभी नहीं देखा गया। लिहाजा हर शोबे हुकूमत में अब किसी तरह का भरोसा आवाम में नजर नहीं आ रहा। अदलिया इंतजामिया यहाँ तक के अब इलेक्शन कमीशन भी भरोसा होता दिखाई दे रहा है। सरकारी कंपनियां निजी कंपनियों के हाथों खुलेआम बेच दी जा रही है। देश को बेच देना भी अब देशभक्ति कहा जाने लगा है और इसकी मुखालफत करने वालों को देशद्रोही साबित किया जा रहा है। बेरोजगारी महंगाई पर अक्सर तबसरा या डिबेट नहीं होती, क्योंकि लोकतंत्र का चौथा सुतून मीडिया भी बिक चुका है, जिसे आज गोदी मीडिया के तौर पर देखा जा रहा है। यह दौर तारीखी दौर है, जब से मोदी सरकार इख्तदार पजीर हुई है आपको मीडिया में सुबह शाम सरकार की हिमायत में कसीदे पड़े जाते हैं। टीवी एंकर बजाय मुल्क के दहकते मसलों पर, गरीबी बेरोजगारी मईशत पर सवाल की जगह हिंदू मुस्लिम पर जोर देकर बची कुछ कसर पूरी करती दिखाई देती है। मीडिया विपक्ष का किरदार निभाता है, पर मीडिया होता ही है कि हुकूमत की गलत नीतियों पर, गलत फैसलों पर सवाल उठाए, पर गोदी मीडिया सत्ता से सवाल पूछने की बजाय विपक्ष को पूछता है। वो विपक्ष जो बिल्कुल कमजोर है, लोकतंत्र की हत्या भी इसी तरह से होती है। जब विपक्ष कमजोर हो जाता है अवाम के मसाइल की बजाय, जय श्री राम जय सियाराम चंडी पाठ वे पुराण, यही तो बंगाल चुनाव में असल मुद्दे है। यकीनन भारत बदल चुका है, कुछ लोग इसी भारत में जीना पसंद कर रहे हैं। अवाम की खामोशी बहुत कुछ बयान कर रही है। ऐसा लगता है कि शायद गंगा जमुनी तहजीब के बजाय हिंदू राष्ट्र ही मुल्क को बचा सकता है, वरना क्या बात है कि देश की जनता दो वक्त की रोटी की जद्दोजहद कर रही है और इसी जनता ने मोदी हुकूमत को बहुत बड़े बहुमत से जिताया था। मान लो अगर अवाम ने ही जिताया, जैसे कुछ पक्ष कह रहे हैं कि ईवीएम से ही भाजपा जीत रही है, तो हुकूमत के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठा रही? यानी अवाम की खामोशी ये फैसला कर चुकी है कि मौजूदा हुकूमत ही सही है, क्या कुछ नहीं बदला। पर किसी में यह हिम्मत नहीं कि कोई सवाल पूछे। जब मुल्क असल मौकूफ से हटने लगेगा तो यही होता है जो भारत में हो रहा है। आपके बोलने लिखने की आजादी छीन ली जाती है, सरकारी मुकामात को पीछे लगाया जाता है। मोदी योगी शाह केरला आसाम बंगाल जाकर भाजपा को जिताने की बात करते हुए खवातीन के तहफ्फुज़ की बात करती है, जबकि सभी जानते हैं कि योगी के उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा असमत रिज के मामले दर्ज हुए हैं। जब योगी बयानबाजी कर रहे थे, यानी अभी 31 मार्च से 3 अप्रैल तक मुस्तकिल बलात्कार हुए, आगरा मेरठ और हापुड़ में हर रोज बलात्कार हुए, पर इन हुकूमतों को किसी तरह की शर्म नहीं आती, बल्कि उसकी ही बिना पर वोट पूछे जाते हैं। किसी तरह की कानून व्यवस्था नाम की चीज ही नहीं है। मॉब लिंचिंग के मुजरिमों को फूल मालाएं पहनाकर अकलियती समाज के लोगों में डर पैदा करने वालों के तो मर्तबे बुलंद किए जाते हैं, देशभक्ति के तो यही ठेकेदार है। छत्तीसगढ़ में आज 22 जवान शहीद हुए, पर वजीर आजम और टीम को चुनाव सियासत की पड़ी है। गोदी और दलाल मीडिया कभी सत्ता से सवाल पूछने की हिम्मत कर ही नहीं सकती, क्योंकि इनके जमीरों को पहले से ही खरीद लिया गया। जिस बेरहमी से नक्सलियों ने फौजियों के हाथ पांव काटे, इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है, पर मीडिया इसलिए इस पर बात करना मुनासिब नहीं समझते, क्योंकि इसमें किसी तरह हिंदू मुस्लिम का एंगल नहीं है। और वैसे भी कहां सरकार की इमेज को नुकसान न पहुंचे, इसलिए भी बंगाल आसाम केरला चुनाव में हिंदू मुस्लिम करते रहते, ताकि देश में
धर्म जात पात का ध्रुवीकरण हो, मौजूदा सरकार यह जान चुकी है कि दो वक्त की रोटी के बजाय मजहबी जज्बात को उबारा जाए ताकि असल सवाल से ही बचा जाए और जीत भी यकीनन है। वैसे भी इलेक्शन कमीशन भी तो इन्हीं के हुक्मों का ताबेदार है। खैर, तमाम तस्वीर को अगर नजदीकी से गौर करने की कोशिश करेंगे तो मुस्तकबिल कोई ठीक नजर नहीं आ रहा। अगर आज भी आवाम को आने वाली नस्ल के बारे में बेहतर फैसले लेने होंगे तो लोकतंत्र आईने हिंद यानी संविधान की हिफाजत के लिए आगे आना होगा, वरना एक और गुलामगिरी का दौर हमें मुसल्लत किया जाएगा जिसमें चंद मुट्ठी भर लोग सत्ताधीश होंगे और हम सब गुलाम होंगे। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।